मैं डॉक्टर रेखा भदौरिया, व्याख्याता समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बच्चों के लिए बेकारी की समस्या लेकर आए हैं, जिस पर हम विचार करेंगे, जो हमारे बीए थर्ड ईयर में एक सेकंड पेपर है, जिसका नाम है भारतीय सामाजिक समस्याएं। ऐसी समस्याएं जिनसे हमारा सारा समाज जूझ रहा है, और ख़ास तौर से वो युवा पीढ़ी जो बेकारी की समस्या से सबसे ज़्यादा ग्रसित है। बेकारी गांव की एक आर्थिक समस्या है। औद्योगिकरण ने जहां अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं ग्रामीण कुटीर व्यवसायों को नष्ट भी किया है, और कृषि के अतिरिक्त शेष समय में ग्रामीणों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय को चौपट कर दिया है। इससे गांव में बेकारी की समस्या पैदा हो गई है। बेकारी का अर्थ लोग बाग अलग अलग, हमारे समाज के लोग, हमारी युवा पीढ़ी, हमारी ग्रामीण जनता कुछ अलग अलग तरह से लगाती है। बेकारी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति को काम करने की इच्छा रखते पर भी अर्थोपार्जन करने हेतु प्रयत्न करने पर भी पूर्ण रोजगार प्राप्त ना हो। अन्य शब्दों में बेकारी वह अवस्था है जिसमें शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति को भी कार्य करने की इच्छा रखता है व्यक्ति मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता। बेकारी की परिभाषाओं में अब जीआर मदान, उस देश में बेकारी है जहां स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी के सामान्य स्तर पर काम नहीं मिल पाता जो काम करना चाहते हैं। मतलब बेकारी एक तो वो है जो व्यक्ति काम करना चाहता ही नहीं है, और बहुत सारे व्यक्ति काम करना चाहते हैं पर काम करने की इच्छा भी रखते हैं और शरीर से भी स्वस्थ हैं पर उन्हें काम नहीं मिलता। दूसरी है डी मेलो के अनुसार बेकार उस व्यक्ति को माना जाता है जो अपनी इच्छा होते हुए भी वेतन भोगी कार्य नहीं पा सकता। बेकारी के पांच ऐसे तत्व हमें देखने को मिलते हैं जो व्यक्ति में पाए जाते हैं पर फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता, जैसे इच्छा। सबसे पहली बात है कि व्यक्ति को काम करने की इच्छा पैदा होनी चाहिए। जब व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है, काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है पर उसे फिर भी काम नहीं मिलता, ये सबसे पहला बेकारी का एक तत्व है। दूसरा है योग्यता। हम कई बार देखते हैं कि व्यक्ति जो योग्यता रखता है उस योग्यता के अनुसार उसे काम नहीं मिलता, और अपनी योग्यता से कम स्तर के काम को वह व्यक्ति करना नहीं चाहता, और दूसरे जितनी उसकी योग्यता है उसके अनुसार उसे काम नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में भी बेकारी की दशा उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है प्रयत्न। व्यक्ति पढ़ लिख कर अपनी योग्यता धारक के अनुसार काम करना चाहता है और उसके लिए वो बहुत इधर उधर घूमता है, कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, अपनी योग्यता के मुताबिक काम की तलाश करता है, पर उसे आजकल के औद्योगिकरण में, नगरीकरण जैसी स्थिति में, शिक्षा का इतना ऊंचा स्तर हमारे समाज का है, फिर भी बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक फैली हुई है और उसे बहुत लंबे प्रयत्न के बाद भी उसे काम नहीं मिल पाता। चौथा है आर्थिक उद्देश्य। आज हमारी योग्यता का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का स्तर इसलिए
लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें तुरंत काम मिल जाना चाहिए, उन्हें अपना कोई ना कोई ऐसा साधन मिल जाना चाहिए जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। लेकिन वो योग्यता भी रखता है, काम की इच्छा भी रखता है, काम करने का प्रयत्न भी करता है और उसका इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि उसे कुछ पैसा प्राप्त हो जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को ऊंचा कर सके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो हमारा सबसे पहले एक उद्देश्य होता है किसी काम को करने का आर्थिक उद्देश्य, मतलब धन कमाना। लेकिन ऐसी स्थिति में उसे काम नहीं मिलता और उसका आर्थिक उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। पांचवा है योग्यता के अनुसार कार्य न मिलना। कई बार व्यक्ति बहुत पढ़ लिख कर एक योग्य व्यक्ति होता है पर उसे काम उसकी योग्यता के अनुसार प्राप्त नहीं होता। वो काम करने की इच्छा रखता है, उसमें काम करने की योग्यता भी है और वो उस काम को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न भी कर रहा है और योग्यता के अनुसार उसे काम नहीं मिल पा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि है एक व्यक्ति डॉक्टर है, उसने डॉक्टर की योग्यता रखता है, डॉक्टर की पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी उसे कहीं पर अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पा रहा है और वो एक बहुत आर्थिक स्थिति को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो कहीं जब उसे अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं मिलता, अपनी योग्यता अनुसार काम नहीं मिलता तो वो कहीं पर एक कंपाउंडर की स्थिति वाला काम करने लगता है क्योंकि उसकी आर्थिक उसका मुख्य काम आर्थिक स्थिति आर्थिक उद्देश्य है कि वो कुछ ना कुछ पैसा कमाए जिससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में बेकारी इस तरह से फैली हुई है कि लोग मजबूर होकर अपनी योग्यता के अनुसार काम ना मिलने पर भी सिर्फ अपने आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें जो भी जैसा भी काम प्राप्त हो जाता है वो वही काम करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि इन उद्देश्यों के बाद कई ऐसे कारण हैं, बेकारी के ऐसे प्रकार हैं जिनको व्यक्ति को काम करने के बाद भी उनका सामना बेकारी के प्रकार मतलब बहुत सारे तरह की हमारे समाज में हमारे गांव में हमारी ग्रामीण समस्याएं हैं, ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या है, इसलिए हम पहले गांव की बात करते हैं कि इसमें फर्स्ट है मौसमी बेकारी, मतलब व्यक्तियों को कुछ समय के लिए काम मिलता है और उसका मौसम समाप्त होते ही वो फिर बेकार हो जाता है। जैसे अनेक व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें वर्ष में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी उनमें श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है तो कभी बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। जैसे चीनी उद्योग नवंबर से मई तक चलता है, ऊन उद्योग सर्दियों में एवं बर्फ के कारखाने गर्मियों में ही चलते हैं, तो कृषि में भी फसल काटने से समय अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, शादियों एवं त्योहारों के अवसर पर जेवर उद्योग की आवश्यकता होती है, जबकि शेष दिनों में इस क्षेत्र में अधिक कार्य नहीं मिल पाता और जो लोग हैं वो काफ़ी कुछ बेकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये आकस्मिक बेकारी आती है कि कुछ समय तक वो कार्य करते हैं और कुछ समय कार्य करने के बाद उन्हें कार्य नहीं मिल पाता। दूसरा है प्रौद्योगिकी बेकारी। प्रौद्योगिकी आजकल उद्योग जो है वो मशीनीकरण का जमाना है, तो सारे कार्य मशीनीकरण का मतलब होता है कि सारे कार्य मशीन आविष्कारों के फलस्वरूप मानव शक्ति का उपयोग क्या हो गया है, घट गया है। अनेक उत्पादन के कार्य जो हैं वो व्यक्ति यंत्रों के द्वारा होने लगे हैं और उनमें लगे व्यक्तियों की संख्या कम हो गई है जिसके परिणाम स्वरूप बेकारी बढ़ती जा रही है। कुछ अनुसंधान तो कई उद्योगों को भी अस्त व्यस्त कर देते हैं। नायलॉन के प्रचलन से जापान के रेशम उद्योग में तथा इटालियन ऊन के
ने भीड़ के ऊन के उद्योग में हलचल मचा दी है। नवीन आविष्कार पुराने व्यवसायों को बंद करते जा रहे हैं और नए आविष्कारों एवं प्रौद्योगिकी के कारण नए व्यवसाय जो हैं वो खूब पनपते जा रहे हैं जो रोजगार प्रदान करते हैं। इस प्रकार मशीनीकरण रोजगार और बेकारी दोनों ही स्थितियों को जन्म देता है। तो बड़े उद्योग की स्थापना में जो ग्रामीण भारत में कुटीर उद्योगों का व्यवसाय था, गांव में लोग अपने छोटे छोटे कारखाने खोलकर अपनी आजीविका कमाते थे, उन सारे उद्योगों का पतन हो गया है। कुटीर उद्योग धंधे बिल्कुल समाप्त हो गए हैं जिससे ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ गई है। तीसरा है आपका अस्थाई बेकारी, मतलब कुछ समय के लिए बेकार होना। जैसे शिक्षा या प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद जब एक व्यक्ति का कोई कार्य नहीं मिलता है उस समय वह बेकार रहता है, किंतु जो ही उसे किसी व्यवसाय में काम मिल जाता है तो वे रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाता है। मतलब जब हम किसी एक योग्यताधारी व्यक्ति जब अपनी शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वो उस कार्य को, किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करता है और प्रशिक्षण के दौरान उसे बेकारी की स्थिति से जूझना पड़ता है और जब वो उसके बाद उसे काम प्राप्त हो जाता है। घर्षण बेकारी, इस प्रकार की बेकारी लोगों की रोजगार संबंधी अवसरों की अनव्यग्रता, श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव, मशीनों की टूट फूट एवं उद्योगों से कच्चे माल की कमी आदि कारणों से उत्पन्न होती है। इस प्रकार की बेकारी विकसित देशों की मुख्य विशेषता है। इसका संबंध विकास से ही है। इसका कारण नए उद्योग धंधे खुलते हैं और कई पुराने उद्योग बंद हो जाते हैं। पुराने व्यवसायों में लगे श्रमिक नए व्यवसायों को सीखने हेतु प्रशिक्षण पाने तक बेकार रहते हैं। इस प्रकार की बेकारी अधिक मशीनीकरण का या विकास का परिणाम होता है। चक्रीय बेकारी, इसका मतलब होता है कि साल के महीनों में कुछ दिन काम मिलता है और फिर कुछ दिन बेकार हो जाते हैं और फिर कुछ दिन के लिए काम मिलता है और फिर आगे उनका इसी तरह से चक्रीय चलता रहता है। इस प्रकार की बेकारी का संबंध व्यवहारिक चक्रों से है। व्यापार में उतार चढ़ाव के चक्र आते रहते हैं। जब किसी व्यवसाय में लाभ के अवसर अधिक होते हैं तो सभी लोगों उसे अपनाने लगते हैं, किंतु कुछ समय बाद लाभ की मात्रा जब कम होने लगती है तो उसे छोड़ने लगते हैं। इस प्रकार पहले अर्थव्यवस्था का विकास होता है, फिर संकुचन, तब ऐसे व्यवसाय में मंदी होती रहती है तो कुछ लोगों को काम मिलता है और जब तेजी आती है तो श्रमिकों की संख्या अधिक हो जाती है और ज्यादा लोगों को काम मिलने लगता है। अर्ध बेकारी, इसका मतलब है कुछ समय में काम मिलता है और कुछ समय व्यक्ति बेकार रहता है। जब व्यक्ति को अपने योग्यता अनुसार काम नहीं मिलता तो वह कुछ समय के लिए उस कार्य को करने लगता है जो उसकी योग्यता के स्तर का नहीं है, फिर भी वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ समय के लिए उन कार्यों को करता है और जब धीरे धीरे कोशिश करता रहता है, उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता, तब वो दूसरे आगे कार्यों की तलाश में रहता है और उस समय वो बेकार हो जाता है और थोड़े समय बाद जब उसको कार्य मिल जाता है या नहीं मिलता है तो वो अपने पुराने कार्य में फिर, लेकिन उसका ना तो मन लगता है, ना उसकी आर्थिक स्तर ऊंचा होता है, ना उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने स्तर के काम की तलाश रहती है। ऐच्छिक बेकारी, इसका मतलब है जब व्यक्ति काम करने की क्षमता होते हुए भी काम करने की इच्छा नहीं रखता। कम मजदूरी या मजदूरी में कटौती जब आती है कारणों से काम नहीं करता तो उसे ऐच्छिक बेकार माना जाता है। मतलब काम मिल रहा है पर वो अपनी इच्छा से बेकार बना हुआ है, वो काम पर नहीं चलता। नेक्स्ट है छिपी बेकारी। छिपी बेकारी का मतलब है कि इस प्रकार की बेकारी
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखी जा सकती है। भारत में लगभग सभी कृषक परिवार भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि कार्य करते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण भूमि पर दबाव बढ़ता है और नए जन्म लेने वाले सदस्यों भी पहले वाले सदस्यों के साथ उसी भूमि पर कार्य करने लगते हैं, क्योंकि हमारे समाज में एक विभाजन का नियम है कि एक पिता के जितने भी पुत्र होंगे उतने में जो उनकी जमीन होगी या जो कृषि योग्य भूमि होगी वो बराबर बढ़ती रहेगी, और बढ़ते बढ़ते वो एक स्थिति ऐसी आती है जो बड़े बड़े जो बड़े बड़े खेत होते हैं या बड़ी बड़ी जमीन कृषि योग्य जमीन होती है, और वो बढ़ते बढ़ते लंबे समय बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बचती है, जिसमें ना तो ही आजकल के कृषि यंत्रों का प्रयोग होता है, ना ही अच्छी पैदावार होती है ना, और वो टुकड़े इतने छोटे होते हैं कि उनमें आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है और